आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी ने विभिन्न प्रकोष्ठों की घोषणा कर दी है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी द्वारा 17 में से 13 प्रकोष्ठों की घोषणा की गई है, जिसमें एक संयोजक और 5 सह संयोजक बनाए गए हैं। वहीं एक प्रकोष्ठ में अधिकतम 6 सदस्यों की टीम को शामिल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि चिकित्सा प्रकोष्ठ सांस्कृतिक, व्यावसायिक, पूर्व सैनिक, शिक्षक, धर्म, संस्कृति, गोरखा, आर्थिक, एनजीओ, स्थायी निकाय, पंचायत, बुनकर और मछुआरा प्रकोष्ठ की घोषणा की गई है। वहीं महेंद्र भट्ट ने बताया कि जल्द ही पार्टी शेष 4 में से 3 प्रकोष्ठों की घोषणा भी करेगी। सत्रह में से 13 प्रकोष्ठों की हमने आज विधिवत घोषणा की है, जिसमें एक संयोजक और 5 सह संयोजक पूरे प्रांत स्तर पर होंगे और प्रकोष्ठ हमारे 6 लोगों की अधिकतम टीम रहेगी। कुछ जगह हमने अभी 4 ही किए हैं, कहीं एक दो नाम अभी घोषित किए हैं सह संयोजक के नाते, लेकिन संयोजक हमारे 13 के 13 प्रकोष्ठ के घोषित हो चुके हैं, जिनमें चिकित्सा प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, व्यावसायिक प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है, धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ है, गोरखा प्रकोष्ठ है, आर्थिक प्रकोष्ठ है, एनजीओ प्रकोष्ठ है, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, पंचायत प्रकोष्ठ है, बुनकर प्रकोष्ठ है, मछुआरा प्रकोष्ठ है, और 3 प्रकोष्ठ जो हम बहुत जल्दी घोषित करेंगे, उसमें विकलांग प्रकोष्ठ, सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ और खेल प्रकोष्ठ। ये 16 प्रकोष्ठ हमारे बनेंगे। एक प्रकोष्ठ को हमको भी और अनुमति मिलेगी, जब वो अनुमति मिलेगी उसका उस प्रकोष्ठ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये प्रकोष्ठ आज से ही हमारे गतिमान हो गए। इसी प्रकार की संरचना हमारी जिला स्तर पर बनेगी और यही संरचना हमारी फिर मंडल स्तर तक की गठित होगी और समाज के हर क्षेत्र के लोगों को इसके माध्यम से हम पार्टी की गतिविधियों में जोड़ेंगे। ये आज की विधिवत घोषणा मैं आप सम्मुख कर रहा हूँ।